जानी मानी गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। वो 92 साल की थीं और बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं। लता मंगेशकर को हम सभी स्वर कोकिला के नाम से जानते थे। उनकी मीठी आवाज बीते कई दशकों से भारतीय संगीत में बसी हुई थी, जिन्होंने ना जाने कितने ही कलाकारों को संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके चाहने वाले उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते थे। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर शहर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर ने 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। हालांकि उनकी मुख्य पहचान भारतीय सिनेमा में एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर रही। जब लता मंगेशकर महज 13 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद लता मंगेशकर ने कुछ हिंदी मराठी फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि उनकी चाहत हमेशा से ही गायक बनने की रही। साल 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को पहली बार गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गाने गाए। हालांकि इसके बावजूद लता को हिट गाने की तलाश थी। साल 1949 में लता को वो मौका मिला फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से। यह फिल्म हिट रही और इसके गाने भी खूब पसंद किए गए। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर ने 30,000 से ज्यादा गाने गाए। उन्हें मिले पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें फिल्म फेयर, राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे कई बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया। साल 2001 में लता मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर अब भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे जीवन में मौजूद रहेंगे और उनकी